यदि आपकी भी क्योरी है तो आपकी क्योरी आपसे समाप्त होने वाली है वीडियो को कंप्लीट देखिए यहां से आप सीख पाएंगे कि थाना प्रभारी को या फिर चौकी प्रभारी को आप पत्र कैसे लिख पाएंगे यदि आपको एफ आई दर्ज करवानी है तो चलिए देखते हैं आप देख पा रहे हैं एफ आई के लिए शिकायती पत्र सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय आपका जहां भी थाना है ये मधुबनी बिहार का है यह काल्पनिक है मैंने लिया हुआ है सेवा में श्रीमान थाना पर रज महोदय मधुबनी बिहार और ये आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको लेटर लिखना है ठीक है आप यहाँ देख पा रहे हैं इस मैंने एक सीक्वेंस में ऐसे लिखा हुआ है पूरा एक सीधी लाइन में तो आपको भी एक सीधी लाइन में ही लिखना है चाहे आप हाथ से लिखें या फिर टाइप करवाएं विषय क्या है जमीन संबंधी मामले के लिए आवेदन पत्र आपका मामला कोई भी हो सकता है झगड़ा हो जमीन का विवाद हो या फिर किसी भी तरह का विवाद हो आपको एफ आई लिखवाना है तो आप इस फॉर्मेट में यदि पत्र लिखते हैं तब आपका एफ जरूर लिखा जाएगा चलिए महोदय सभी ने निवेदन है कि मैं महेश कुमार यह भी एक काल्पनिक नाम है मोहन यादव का सुपुत्र हूँ मैं आपके थाना क्षेत्र मधुबनी का निवासी हूँ मेरी समस्या यह है कि मेरे छोटे भाई तथा मेरे बीच जमीन का सामाजिक बंटवारा हुआ था जिसे मेरा छोटा भाई नहीं मान रहा है जिस कारण मैं अपने जमीन पर घर नहीं बनवा पा रहा हूँ ठीक है देखिए मान लीजिए दो भाई थे दो भाई थे एक भाई ये हैं ठीक है ठीके? और एक भाई ये हैं इनकी मान लीजिए यहाँ पर एक जमीन थी इन दोनों के बीच में बंटवारा हुआ था आपसी सहमति से, से मान लीजिए एक भाग इनको मिला एक भाग एक भागीन को मिला स्ने से क्या होता है मान लीजिए इस भाई का जो है यहाँ पे रोड है ठीक है तो रोड है तो ये कहेगा कि मुझे ये नहीं चाहिए मुझे ये चाहिए मान लीजिए इसको ये मिला था तो कहेगा मुझे ये चाहिए इसी के बीच में मान लीजिए इस तरह से विवाद है तो भी आप इसको लिख सकते हैं ठीक है बनवा पा रहा हूँ यहाँ तक तो हो गया था अपनी ज़मीन पर घर नहीं बनवा पा रहा हूँ अतः श्रीमान थाना प्रभारी महोदय से आग्रह है कि मेरे इस ज़मीनी विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने की कृपा करें ठीक है आप यहाँ पे आप क्या करेंगे हस्ताक्षर करेंगे अपना नाम लिखेंगे पता लिखेंगे और यहाँ पे आप मोबाइल नंबर लिखेंगे यदि आपको आपकी ज़मीन के कागजात है तो इसको आप इसके पीछे इसके पीछे आप इसको स्टप्पर कर सकते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं संलग्नक ठीक है उससे आपको आसानी हो जाएगी आपकी समस्या को सुलझाने के लिए